छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महासमुंद जिला पहुंचे, जहां पर वह स्वर्गीय राजीव गांधी की 79वीं जयंती पर छत्तीसगढ़ सहित महासमुंद जिले को करोड़ों की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आज मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया गया है और 500 विद्यार्थियों की क्षमता वाला वातानुकूलित लाइब्रेरी की सौगात भी दी है। बता दें कि महासमुंद नगर पालिका को नगर निगम बनाने की घोषणा भी की है, जिसके बाद से मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में आज से गौवंश को संरक्षित करने के लिए मोबाइल हॉस्पिटल वाहन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में देश के प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना ही कहा कि छत्तीसगढ़ के प्रवास के दौरान धान खरीदी में छत्तीसगढ़ को पैसे देने की बात पूरी तरह झूठी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रमन की भाजपा सरकार ने आम जनता, किसान और गरीबों को लूटा है। और उसके बाद होम्योपैथिक सिरप है कंसंट्रेटेड सिरप, उसको पी के लोगों की मृत्यु हुई, तो ये सामाजिक बुराई है और सब लोग मिल के इसको खत्म करेंगे। मैं नशा मुक्त छत्तीसगढ़ की बात करता हूँ और जब तक के समाज का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक के नशा मुक्ति की ओर नहीं बढ़ेंगे, चाहे वो गुड़ाकू हो, गांजा हो, शराब हो और सूखा नशा हो, सब खत्म होना चाहिए। इस दिशा में हम लोग काम करें।